की बात की जाए तो वहाँ पर जो बच्चों के साथ सुलूक किया गया है बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को कई मील तक पैदल चलना पड़ा। तो एडीवीसी ने अपना भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन तेज किया, लेकिन इस तरह से जो उन्होंने बच्चों का दुरुपयोग किया है सभी इस घटना की निंदा कर रहे हैं। और खासतौर पर अगर छोटे बच्चों की बात की जाए तो जिस इलाके घूस में स्कूल जाने के बजाय ये सभी बच्चे आप तो देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से परेशान हो रहे थे, कितनी देर तक उन्हें इस सिलसिला की भूख का सामना करना पड़ा। आज पूरे देश में महा आंदोलन किया गया था, लेकिन अगर राजधानी जयपुर की हम बात करें तो यहाँ पर एडीवीसी के कार्यकर्ता पहुंचे ही नहीं। महा आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रही है एडीवीसी, लेकिन खुद यहाँ के कार्यकर्ता ही नदारद है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो हाल हुआ है छोटे छोटे बच्चों का, आइए आप देखिए। सड़कों पर कदम पार करते हुए सैकड़ों स्कूली बच्चे, इन बच्चों को दो घंटे तक सड़कों पर रैली में चलाया गया। सिविल एक्सप्रेस की टीम ने रैली खत्म होने के बाद जब स्कूली बच्चों से बात करने की कोशिश की तो एक बार फिर एबीवीपी के गुंडों ने मीडिया में देख लेने की धमकी दे डाली। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के गुंडागर्दी के बाद खुद एबीवीपी के